पिछले साल श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था उसमें एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में आर्ट ऑफ लिविंग को यमुना नदी को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने पिछले साल 11 मार्च से 13 मार्च के बीच जो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आयोजित किया था उसे लेकर एनजीटी द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम से यमुना नदी के पश्चिम की तरफ 300 एकड़ और पूरब की तरफ करीब 120 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है। समिति ने अपनी 47 पन्नों की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 3 दिनों के कार्यक्रम की वजह से नदी के किनारे लगे पेड़, घास, जानवरों के रहने की जगह, पानी में उगने वाले वनस्पति को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। समिति ने कहा कि उस इलाके को पुरानी स्थिति में लाने के लिए 13.29 करोड़ रुपए लगेंगे। समिति का यह भी कहना है कि उसे पूरा करने में कम से कम 10 साल का वक्त लगेगा। एनजीटी की विशेषज्ञ समिति के प्रमुख और जल संसाधन मंत्रालय के सचिव शशि शेखर ने एनजीटी को बताया कि प्रभावित स्थल में सुधार के लिए बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत होगी। गो न्यूज रिपोर्ट।